सर्वोच्च शक्ति माँ दुर्गा भवानी माँ चामुंडा के चरणों में नमन करते हुए माँ चामुंडा की पावन गोद में आपका जो पदार्पण हुआ है हम निश्चित धन्य हुए हैं। धन्य पूरी देवास नगरी की ओर से चामुंडा सेवा समिति की ओर से साहब का कोटि कोटि वंदन करता हूँ और मातृशक्ति माँ स्वरूप में हमारी बहन में बहन जो हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ब्रह्मकुमारी देवास को संचालित करती है तो मैं बहन से निवेदन करूँ कि वे पंडित जी मंगलाचरण के द्वारा इनका शुभ अवस्थी साथ में हमारे देवास की जनप्रतिनिधि लाडली विधायिका उनकी ओर से भी है, वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनका भी साहब को बहुत आशीर्वाद है। तो मैं ये जीजी भाई साहब मिश्रा जी आइए मिश्रा जी ये दोनों चेक साहब को 1,11,000 रुपए का और 51,000 रुपए का मेरे परिवार की तरफ से। हमारी मेरे कहा जैसा कि हमारी कोई ताकत नहीं है, साहब की पुण्य आत्मा है कि साहब का आगमन हुआ है। 1,51,000 के दोनों चेक है ये साहब को श्री चरणों एक और जो कि देवास के बहुत अच्छे समाज सेवी है और इस परिवार की ओर से भी कम से कम 21 किलो पूर्व में चांदी वहां दी गई है। केला देवी वालों की ओर से परिवार की ओर से भी 2.25 किलो चांदी दी गई है। मैं पुनः साहब के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ दुआ साहब। और जब से आए हैं साहब मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन में पहुंचाने के लिए ये स्वागत हमने साहब का इसीलिए किया है कि माननीय हमारे मध्य के मुख्यमंत्री जी 24 घंटे अनविरत लगे हुए हैं। ऐसे ही साहब भी अनविरत लगे हुए हैं। साहब ने कहा जब आपकी इच्छा हो आइए। तो साहब के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। बहुत पूर्व कलेक्टर साहब अग्रवाल साहब ने बना के दी थी पर वहाँ ऊपर अभी हमने जो 20 रुपए में समोसे या चाय की व्यवस्था की है उसको अपन आपके अपने माध्यम से जैसे कि हम नवरात्रि में 24 घंटे 20 लाख लोगों को उसका सारा श्रेय आपको जाता है। हमारी कोई ताकत नहीं है। कहने को माँ धन्य है जिस माँ ने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया है। तो सब शासकीय टीम के लोग हैं और 19,000 लीटर दूध की हम निःशुल्क चाय नवरात्रि में चाय भोजन की सेवा कराते हैं। तो हमारी साहब से एक हार्दिक इच्छा कि कम से कम 5 रुपए में वहाँ न्यूनतम जैसे अपन ने 10 रुपए में प्रसादालय चालू करा है अगर साहब कहेंगे तो हम तैयार हैं। साहब अगर कहेंगे हमारी नई बिल्डिंग भी तैयार है जिसको अग्रवाल साहब ने बना के दी है बहुत अच्छी बिल्डिंग है। हालांकि वो बिल्डिंग 20 मंजिल भी खड़ी कर देते तो वो खराब नहीं हो पाती लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन हमारे माननीय एसडीएम साहब सोनी जी के तहत प्रयास से निर्माण कार्य चल रहा है। तो मेरी साहब से हार्दिक इच्छा है बाहर से आने वाले श्रद्धालु को और प्रसाद का एक जो रेट है ऊपर उज्जैन महाकाल में साहब को मालूम है क्या रेट है क्योंकि साहब उज्जैन रहे हैं और इंदौर में साहब को सब मालूम है तो उसका रेट में थोड़ी सी साहब कुछ कृपा कर देंगे तो बड़ी साहब की कृपा रहेगी। थोड़ा भोजन प्रसाद में भी थोड़ी सी अच्छी गुणवत्ता हो जाएगी। देने वालों की साहब के आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है। सेम जैसा कि मैंने कहा ना कि हर बुधनी के अंदर एक ही नाम चल रहा हूँ मैडम का तो देवास के अंदर साहब ऐसे कुछ माँ की कृपा से 3.5-4 साल का कार्यकाल साहब का रहेगा ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी वापस आएंगे ये बात भी 100% है और साहब का 3.5-4 साल का पूरा 4 साल का कार्यकाल रहेगा पर एक ही साहब के चढ़ तो कम से कम दुर्गा सप्तशती का पाठ वहाँ 12 महीने चालू हो जाए ये छोटी सी साहब के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना है। बाकी तो साहब मैंने कही मैं पुनः आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत के लिए। दूसरा आप इतनी आस्था है चामुंडा माता की और माँ दुर्गा भवानी की और वो प्रकट होती है इस बात से कैसे आप अपने पारिवारिक खुद के कंट्रीब्यूशन से माता के लिए इतना स्नेह निकाल कर इतना ज़्यादा रोज पता है कि डेली जाने वाले डेली बिल्कुल
बड़ा भाव भाव विभोर हो जाते हैं जब ये देखते हैं कि आप प्रयास प्रशासन का भी यही रहेगा कि ना केवल नवरात्रों के दौरान आपको प्रशासन पूरा का पूरा व्यवस्था लगाता है, बल्कि आपका पूरे साल कुछ ना कुछ वहाँ व्यवस्थाएँ अच्छी रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं उनकी सेवा में, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके कंफर्ट के लिए जो यथासंभव प्रयास प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं, उनमें इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए और प्रयास किए जाएंगे तो आने वाले टाइम में ये सुनिश्चित किया जाएगा, है ना। बाकी आपकी कमेटी अच्छा काम कर रही है, आपकी कमेटी को बहुत बहुत बधाई।